मॉर्निंग वेलकम, नहीं सॉरी अभी मॉर्निंग नहीं है, अभी मैंने देखा 12:05 हो गया। तो गुड आफ्टरनून गाइस, सुबह से बहुत ज़्यादा काम था तो उतना काम करके मैं ऑन ही नहीं हो पाई, मतलब वीडियो जो है शुरू नहीं कर पाई। तो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिशुपा पॉर्नर्स ब्लॉग। अभी मैं आई हूँ छत पे कपड़ा टांगने। बहुत ज़्यादा हवा है गाइस, बहुत तेज़ हवा चल रहा है तो मैं इधर उधर जा ही नहीं पा रही हूँ। मेरा कंबल भी दिया हुआ है उधर, जो नीचे गद्दा हम बिछा के सोते हैं ना वो भी धूप में दिया हुआ है, और बेटी और कोको आके यहाँ पे सो गया। मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, एक मिनट। तो आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग होने वाला है एक्साइटेड, हाँ, क्योंकि आज मेरे घर में कोई आएगा, दिखाऊंगी। उसके लिए सुबह से खाना बनाने में सब बिजी है तो, और कहीं जाएंगे भी हम लोग, सब मिलके जाएंगे। तो मैं दिख नहीं पा रही हूँ, उधर किसी और ने टांगे हैं कपड़ा। देखिए पूरा कपड़ा सबका कैसे हिल रहा है, बहुत तेज़ हवा दे रहा है। तो मैं टांग लेती हूँ, मतलब सुखाने के लिए दे देती हूँ कपड़ा, नहीं तो नहीं सूखेंगे फिर बाद में। फिर जाना भी है तो जल्दी जल्दी उठा के भी लेके जाना पड़ेगा। और आज जो है मैं मशीन में नहीं डाली हूँ, हाथ से ही धोई हूँ। ठंड में पूरा जम गए हैं हम कपड़ा, और वो कर करके काम कर करके बर्तन भी बहुत सारा हो गया था। तो कोई नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा, लेडीज़ों का काम ही है काम करना, घर का काम। तो सब मम्मी ने भी खाना बनाया, थोड़ा बहुत मैंने भी बनाया, पापा जो चिकन जो बन रहा है वो बना रहे हैं मेरे पापा। तो देखते रहिए बिना स्किप किए हुए मेरे ब्लॉग को, और बहुत कुछ होने वाला है आज के ब्लॉग में। अभी के लिए इतना ही, अभी मैं फटाफट से बाल्टी भर के कपड़ा ले लूँ, उसको टांग देती हूँ, फिर जाएंगे नीचे। और कोको जो है वो नहीं रह रहा है मेरे बगैर, मतलब मैं बाथरूम में भी जा रही हूँ, बाथरूम के सामने जाके पता नहीं उसको इतना क्या हो गया है मुझसे अटैचमेंट, वो एक मिनट के लिए भी नहीं मुझे छोड़ता है। मतलब एक मिनट बाद भी देखेगा ना, मतलब पागलों की तरह करेगा। तो यही चलता है हमारा। तो अभी मैं फटाफट से कपड़ा टांग देती हूँ, बात नहीं कर पाऊँगी मैं। अगर दो बाल्टी में, एक बाल्टी में और भी कपड़ा है, उसको भी धोएंगे, उसको हस्बैंड धोएंगे, हस्बैंड का कपड़ा है, और ये मेरी और मेरी बेटी का है, मैं धोऊंगी। तो अभी इसको अगर खाली करके नहीं दिया ना तो बाकी लोग नहाने नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं फटाफट से कर ले रही हूँ। फैमिली जो है हम छत पे आ गए हैं, धूप सेक रहे हैं। और इतने में बेटी ने बोला कोको को कि कोको तुम धूप की तरह मुंह मत करो, फेस तुम्हारा आँख खराब हो जाएगा। और पता है मैंने क्या बोला? मैंने बोला विटामिन सी मिलेगा, मतलब गलती से विटामिन डी के जगह मैंने सी बोल दी। तो मेरा कपड़ा जो है टांगना हो गया, और ये सब सब कुछ टांग दिए। अभी हम जाएंगे नीचे, बाल्टी भी दो बाल्टी हो गया, देखिए हस्बैंड एक बाल्टी लेके आए। अरे हाय गए दो सबको, हाय गुड मॉर्निंग, नहीं है 12 बज चुका है, किसी का भी आँख नहीं खुल रहा है। सृजिशा तुम भी कर दो हेलो। तो अभी के लिए इतना ही, बाद में आते हैं। टांगना हो गया, देखिए दो बाल्टी लेके हम जा रहे थे, हस्बैंड पीछे आएंगे ताला लगा के। अभी नहाना है, शैम्पू भी करना है क्योंकि मुझे जाना है बाहर। कुकु को लेके बेटी गई नीचे अभी, ये देखिए फिर से मैं आ गई हूँ छत पे। और अब बज चुका है 3:45, मतलब लेट हो गया काफ़ी, और 3:30 बजे हम लोगों को निकलना है। हम लोग थोड़ा सा बाहर जाएंगे, कहाँ जाएंगे ज़रूर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो इसलिए बाल को सुखाने के लिए मैं आई हूँ, ऐसे वो हेयर ड्रायर से ना मुझे उतना पसंद नहीं है। तो देखती हूँ, तो ज़्यादा बाल तो है नहीं, 2-4 है, 10 मिनट यहाँ पर रहूँगी तो सूख जाएगा। और खाने का वीडियो जो है वो मैं कर ही नहीं पाई आज, इतना लेट हो गया ना हम, चल रहा है देखिए, तो इतना लेट हो गए हम, तो खाने का वीडियो नहीं कर पाए। तो बेटी जब खा रही थी तो थोड़ा बहुत की थी मैंने वीडियो। कपड़ा कैसे देखिए, चारों तरफ कपड़ा जो है कैसे उड़ रहा है। तो खाने में आज था, वो जो आने वाला था ना वो नहीं आया, वो शायद शाम को आएगा, मतलब रात को आएगा। शाम को तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, हम लोग निकल जाएंगे, तो वो शायद रात को आएंगे। मैंने बोला आने के लिए, उसका आज काम वाली भाई जो है ना वो नहीं आया, तो पूरा टाइम ऑफिस रहता है संडे म,
मंडे टू सैटरडे, तो उसका सारा कपड़ा जो है भिगो के रखा है। अब अगर मेरे घर में आ जाएंगे तो क्या है ना कि उसका कपड़ा धोने वाली बाई जो है वो ऐसे ही चला जाएगा और उसका कपड़ा ऐसे ही रह जाएगा, फिर मंडे से सैटरडे तक उसका कपड़ा कोई कौन धोगा, और वो खुद नहीं धो सकता है। तो इस वजह से वो नहीं आया, फ़ोन करके बताया। तो मैंने कहा तुम शाम को रात को आ जाना खाने के लिए, तो उसने बोला ठीक है देखते हैं, क्योंकि रात को होता है ना और हम लोग भी जा रहे हैं, कब आएंगे उसका कुछ पता नहीं है। अगर हम जल्दी आ जाएंगे तो उनको फ़ोन करेंगे तो वो आ जाएंगे, यहीं पे दमदम में ही रहते हैं। और खाने में बना था दाल, बना था एक मिक्स वेज का बना था, मतलब कल का जो पनीर है थोड़ा सा पनीर रख दी थी मैंने, तो उसी से मिक्स वेज टाइप का एक बनाया, और मछली बना, और चिकन बना, और बैंगन ऐसे काट के रखे थे फ्राई करने के लिए, लेकिन हम लोग नहीं खाए। चिकन होने से कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही सब कुछ पड़ा रहता है, तो वो आएगा इसीलिए मैंने बनाया था, नहीं तो नहीं बनाते इतना। और क्या बनाया था, अच्छा चटनी था और कुछ नहीं था, तो सबने खा लिया, हमने भी खा लिया। खा के अभी ऊपर थोड़ा सा बाल जो है सुखा के फिर रेडी हो जाऊंगी, सोची थी कि थोड़ा बहुत रील बनाऊंगी रेडी होके, लेकिन टाइम ही नहीं रहा, और ट्रेन में जाएंगे हम लोग तो इस वजह से और भी ज़्यादा, मतलब बिल्कुल टाइमली निकलना है और इतने सारे लोग रेडी होंगे फिर निकलेंगे, तो इसलिए जो है रील वील अभी तो नहीं बनेगा, आके फिर देखेंगे बन पाएगा कि नहीं। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, आप लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन देना था कि मैंने कहा था ना कि कोई आएगा, तो नहीं आया तो अच्छा नहीं, फिर नहीं बोलते तो अच्छा नहीं लगता, बाल बिल्कुल गीला है। तो अभी रखते हैं, बाद में आएंगे फ्रेंड्स, रखे जाए अभी रेडी होने, दो मिनट यहाँ रह के फिर कपड़ा भी लेना है, कितना सारा है देखिए, ये सारा कपड़ा जो है हमारा ही है। तो अभी के लिए इतना ही, बाद में आते हैं गाइस। तो गाइस अभी हम निकले हैं, देखिए मम्मी है उधर, पापा है इधर, बेटी है, हस्बैंड भी आ रहे हैं, ये मम्मी रेडी हो गई है बिल्कुल, और हम निकल गए हैं। दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं, नहीं हम बोल ही देते हैं, हम जा रहे हैं मम्मी के फ्रेंड के घर, जो यहाँ पे हृदयपुर करके कोई जगह है वहाँ पे रहते हैं। बेटी पता नहीं क्या कर रही है वो, देखिए, और बेटी का पापा आएंगे और मेरे सास जो है वो जाएंगे नहीं, क्योंकि चलो जो सास जो है तो वो नहीं जाएंगे, तो वो यही रहेंगे, और कोको भी घर में ही है। तो मम्मी कितनी सुंदर लग रही है देखिए, और बेटी इधर आ जाओ, बेटी इधर आ जाओ, हम तीन जनरेशन, मैं, मेरी मम्मी और मेरी बेटी। पापा को देखिए दूर में जाके खड़े। तो अभी हम चलते हैं, यहीं पे जाने का प्रोग्राम था, बैग देखा नहीं, बाद में दिखाएंगे उसको। तो मम्मी और मैंने दोनों में नया बैग लिया है कल जो लेके आए हैं, लेकिन हम नहीं दिखाएंगे अभी आप लोगों को, हम जो है वो इसका एक अलग सा ब्लॉग बनाएंगे नए नए। अच्छा हस्बैंड भी आ गए, देखिए हम चलते हैं, अभी स्वेटर मैंने ले लिया, अभी जल्दी चलते हैं नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगा, हम ट्रेन में जाएंगे। अभी हम खड़े हैं स्टेशन में, ट्रेन आएगा उसके बाद हम जाएंगे, है ना? नहीं 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 नहीं, क्या होता है, मैं नया मास्क पहनी हूँ, हस्बैंड भी नए मास्क पहने हैं। मैं अभी आ गई हूँ, मतलब इनको क्या बोले, मतलब मेरी मम्मी का फ्रेंड भी है, मतलब फ्रेंड भी है ना, फ्रेंड है मतलब जो मामा उधर में बैठे हुए हैं, तो इनके इनके ये टीचर, मम्मी के टीचर भी है और फ्रेंड भी है, ऐसा ही है। तो इनके घर हम आए हैं, और जब से आए हैं खा ही जा रहे हैं, इतना खाया, बाप रे बाप, एक के बाद एक खाना। और ये है मामी, एक भाई भी है जो इनके फोटो है, अभी बड़ा हो गया है लेकिन वो थोड़ा नीचे गया है, और वो है मामा, बाकी सब बैठे हुए हैं। और एक जो है मेरी नानी होती है, उनसे मैं मिलाऊंगी, बहुत क्यूट है वो, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को अभी, रुक। तो ये है नानी माँ, इनसे मैं मिलाऊंगी आप लोगों को, देखिए ये है मेरी प्यारी नानी माँ, देखिए कितनी क्यूट है ना, बहुत ज्यादा, कितना प्यार किया मुझे, देखिए बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है दिखने में। तो बेटी आ रही है ऊपर से, मतलब मैं नीचे आई हूँ, बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा क्यूट है ये नानी माँ। देखिए मेरी बेटी अभी प्यार खा रही है,
बहुत प्यार कर रही है नानी माँ हम लोगों को। तो ये जो है ना, मतलब मेरी मम्मी का जो बचपन में, भाभी ने जो सब देखिए बोले, कभी नहीं सोचा कि हमसे मिलेंगे। तो ये मतलब मेरी मम्मी का जो है बचपन में, इनके घर और मम्मी का घर एक साथ में था, मतलब पास पास में था, क्वार्टर में थे। तो हम थी लामुगने, बोल रहे एक घर जैसे, इनको कान में थोड़ा सा कम सुनाई देता, लेकिन बोल रहे है कि मतलब जैसे थे एक घर जैसे थे ये लोग। तो मम्मी का ये मतलब माँ जैसी है, तो मेरी उस हिसाब से मेरी नानी माँ है। अरे इतना प्यार कर रही है ना जब से आए हैं, बहुत मजा आया आज यहाँ पे। कौन था मतलब ये नानी माँ की बात सुनिए आप लोग, मुझे बोल रहे हैं कि घर में आके मतलब ऐसे बैठे नहीं रहना है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। मतलब इनके एज में आके ये बोलना कितना, मतलब अंदर से आप सोचिए एक बार कि मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है अंदर से। आप लोग एक बार सोचिएगा इनके एज में आके, मतलब ये हमें बोल रहे हैं कि ऐसे बैठे नहीं रहना है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स कि इनके कितना स्ट्रॉन्ग है ये अभी भी। मतलब मैं सुन के सही में मैं स्पीचलेस हो गई इनकी बातें सुन के। मैं सही में इन मतलब क्या बोल नहीं सकती, मैं अपने लैंग्वेज में आप लोगों को समझा नहीं सकती हूँ कि इनमें ये कितना स्ट्रॉन्ग है अभी भी। गाइस अभी हम लोग मार्केट में आए हैं, हमारे मतलब मेरे इधर के जो मार्केट है यही पे, ट्रेन से उतर, हाँ ट्रेन से उतर गए, दमदम का जो मार्केट है वहाँ पे आए हैं। थोड़ा सा शॉपिंग करते हैं क्योंकि हम जल्दी चले आए, अभी 7:30 ही होगा, नहीं 8 बज चुका है, लेकिन हम लोगों का अभी घर जाने का मन नहीं है, तो हम थोड़ा मार्केट घूम के उसके बाद जाएंगे। पापा चले गए घर, मतलब स्टेशन के पास ही है मार्केट, मार्केट घूम के फिर जाएंगे घर। पूरा चश्मा जो है मेरा अंधेरा अंधेरा हो गया इसके मार्क्स की वजह से, तो थोड़ा सा घूम लेते हैं मार्केट, उसके बाद जाएंगे घर। हम काफी पहले आ चुके थे, सब फ्रेश हो गए, मतलब मार्केट भी गए थे ना हम, तो ज्यादा थक गए। अभी हम खाना खाएंगे, लगभग 10 बजने वाला है, तो खाना खाएंगे अभी हम। खाना खाके देखिए हस्बैंड को, देखिए 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 ये बच्चे करते हैं ऐसे, मेरे हस्बैंड ऐसे करते हैं। तो अभी हम खाना खाएंगे, खाके फिर सो जाएंगे, थक गए हैं बहुत, कल मंडे है। ऐसा क्यों कर रहे हो आप, पीछे से क्यों कर रहे हो, क्या मतलब है इसका, मतलब उनको क्या सोचता है ऐसे। तो खा लेंगे, खाएंगे कोको को पहले खिलाएंगे, बाल पूरा बिखर गया है, छोड़ के गए थे ना हम। फिर मार्केट भी गए तो थोड़ा बहुत मम्मी ने शॉपिंग की, मम्मी जाएंगी अभी उसका मायके। मैंने कपड़ा जो है अभी तक उतारा नहीं, ये मेरा मतलब ऐसा रहता ही है कि कपड़ा मैं बहुत लेट तक उतारती हूँ, मतलब अभी मैं खाना वाना खा लूंगी, खा के फिर उसके बाद ही कपड़ा जो है कोको को खिलाएंगे हस्बैंड, लिए पता नहीं खाएंगे, मुझे ही खिलाना पड़ेगा एंड पे। तो इसलिए जो है मैं अभी ब्लॉग को यही पे एंड करूंगी। जिनके घर हम गए थे सच में मतलब लगा ही नहीं कि उनके घर हम फंस गए, इतना अच्छे लोग थे वो लोग। मम्मी भी लगभग 35 साल बाद मिले हैं, और वो जो मतलब एजेड जो मतलब लेडी थी उनकी बात में कितना, एक तो सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन वो एजेड जो पर्सन थे मेरा दीदा होते हैं वो, मतलब इतने अच्छे थे। मतलब मेरी बहुत छोटी उम्र में जब मैं थी तब मेरी दादी डेथ हो गई दादी की, और मेरे दीदा जो थी मतलब उनसे हम इतना क्लोज नहीं थे। तो मतलब होता है ना, कोई कोई उतना ज्यादा प्यार नहीं करते हैं, मतलब प्यार तो करते हैं हर कोई, लेकिन उतना अटैचमेंट नहीं था। हम मतलब मामा के घर भी बहुत कम ही जाते थे, तो फिर इसलिए जो है उतना अटैचमेंट नहीं था। और ये एक दीदा जैसे ही मिला, मतलब मेरी मम्मी बोलती है कि उनकी मम्मी से भी ये लोग उनको ज्यादा प्यार करते थे, तो समझ ही सकते हो आप लोग, ये बाल मेरा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे खोल ही देती हूँ, तो समझ ही सकते हो आप लोग कि मतलब कितना अटैचमेंट है उन लोगों से। लेकिन वो ही होता है ना काम के बाद, और कोलकाता में हमारा कोई था भी नहीं पहले, जैसे मैं अभी आई हूँ तो अलग बात हो गई मम्मी पापा के लिए, और किसी के घर में आके फिर दूसरों के घर में जाना वो एक अलग बात हो जाता है। फिर हम लोगों का पढ़ाई भी था, इस वजह से भी उतना नहीं आ पाते। पापा वैसे रेलवे में जॉब करते थे, अभी रिटायर हो गए, लेकिन
नहीं हो पाया, होता है ना, नहीं हो पाता। फिर उस टाइम थोड़ा ज्यादा उतना फोन का भी नहीं था, कोई एक दूसरे से उतना अटैचमेंट नहीं कर पाती, मतलब अटैच नहीं हो पाते थे। अभी फोन के साथ साथ नंबर के साथ साथ फेसबुक व्हाट्सएप मम्मी लोग भी यूज करते हैं, तो इस वजह से जो है मतलब जान पहचान बढ़ रहा है। अभी जॉल खबे हो जॉल का, तो इस वजह से जो है मतलब और भी ज्यादा मतलब लोगों से हम मिल रहे हैं। तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं मतलब फर्स्ट टाइम उनके घर गई, मैं क्या मतलब मेरे हस्बैंड को भी पकड़ के प्यार कर रहे हैं, और एजेड आदमी का प्यार आप समझ ही सकते हो। और उनका जो ये जगह है ना, एक भी दांत नहीं है ना, तो इतना क्यूट है वो जगह, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, मैंने दिखाया ना उन लोगों को, मतलब उनका ये जो जगह है ना इतना क्यूट है। और पता है आते टाइम वो जो मतलब लेडी थी मतलब ऐसे ऐसे कर रही थी, हाँ वो तो कर ही रही थी, प्यार भी कर रही थी, किसेस भी बहुत की, पकड़ गया, हगिंग भी बहुत की, और सबसे बढ़िया वो रो दी, मतलब मम्मी से इतना मिले, मतलब इतना अटैच हुआ ना इतने दिनों के बाद मिले, तो मतलब उनको रोना आ गया एंड में। तो यही एक खराब लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने कभी इतने एजेड आदमी का मतलब ऐसे, मुझे तो मैं मम्मी भी मुझे ऐसे कभी प्यार किया होगा मम्मी तो ऐसे प्यार करते हैं, लेकिन ऐसे करके प्यार मतलब मेरे लाइफ में मुझे लगा फर्स्ट टाइम मिला मुझे ऐसा प्यार, तो मैं बहुत दिल से बहुत क्या हुआ कोको कोको चिल्ला रहा है, कोको को छोड़ के गए थे, कोको गुच्छा हो गया मेरा, गुच्छा राजा बेटा, गुच्छा हो गया, गुच्छा हो गया, बहुत गुच्छा हो गया मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा देखिए गुच्छा हो गया, मुझे चाटना है, बहुत चाट लिया, अभी जाओ। तो फ्रेंड सही में बहुत इंजॉय किया आज का, बहुत अच्छा है, इतना सारा प्यार पा के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई और इमोशन भी हो गई, मतलब मेरे इतना प्यार मुझे किसी ने नहीं किया। तो आज का वीडियो जो है यही पे एंड करेंगे, और कल आएंगे एक नए ब्लॉग के साथ, जो भी हो अच्छा ही होगा कल का दिन, होप बेस्ट, मतलब होप रखने से क्या है, आप लोग भी अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर मेरे चैनल में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज फ्रेंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आल्सो प्लीज, तब और कल मिलेंगे हम एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट टेक केयर।